दरभंगा के राष्ट्रीय उच्च पथ 57 पर बाहर से आने वाले मजदूरों की दशा काफ़ी दयनीय स्थिति वाली हो चुकी है। कड़ी धूप में पैदल चलते चलते सप्ताह भी बीत गया, लेकिन अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंच सके हैं ये बदनसीबी मुसाफिर। कोई दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव तो कोई कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी जैसे शहरों से पैदल ही घरों के लिए निकल गए। धूप में चलती महिलाएँ छोटे छोटे बच्चों को देख कर कलेजा फट जाता है। पांचों दिन तक पैदल चलने के बाद किसी किसी को ट्रक, टेम्पो का सहारा थोड़ी थोड़ी दूर के लिए मिल तो जाता है, लेकिन बदले में मोटी रकम ऐंठ लेता है। सबसे ज़्यादा बच्चों का रोना देखकर आंखें भर जाती है। वहीं दरभंगा NH-57 पर बाजार समिति द्वारका नगरवासियों द्वारा कई दिनों से राहत शिविर चलाया जा रहा है। शिविर चलाने वाले राजीव झा, महादेव महता, मोहन बिरजू शाह ने बताया कि हम लोगों से इन राहगीरों की दुख नहीं देखा गया, तो हम लोगों ने आपसी सहयोग से हजारों लोगों को बिना रुके खाना, पानी, मेडिकल, बच्चों के लिए बिस्किट का व्यवस्था किया हूं। अभी कई दिनों तक राहत चलता रहेगा। काहे रो रहा है दीदी, काहे रो रही है? कहां जाना है, कहां जाइएगा? जी से मतलब डायरेक्ट वहां से पैदल चले थे, ट्रक से चले? ट्रक से चले। कितना पैसा ले रहा? चेट करके दिए कंपनी में जो काम करते थे ना। किन किन लोगों को राहत बांट रहे हैं आप? ये राहगीर लोग जो जा रहे हैं राहत, मतलब जिनको जो भी है, जो पैदल जा रहे हैं, मजदूर सब साइकिल से जा रहे हैं, जो बस में जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं रुक करके उनको खाना भी खिलाते हैं, राहत में पानी भी पिलाते हैं। कब तक चलेगा ये राहत? अभी तो हम लोग अपने जो है सो संगठन करके जो है सो कुछ दोस्त लोग मिल करके जो है सो अपना पैसा से राहत चला रहे हैं, और जब तक सक्षम रहेंगे तब तक चलेगा। कौन कौन लोग, किनके तरफ से राहत चल रहा है? ये राहत जो है सो चल रहा है महादेव महता की तरफ से, राजीव झा जी हैं ये, इनके तरफ से चल रहा है, जितेंद्र कुमार जो है सो इंडिया टीवी रिपोर्टर है उनके तरफ से चल रहा है, मेन बॉस हमारे जितेंद्र कुमार ही हैं, एक मास्टर साहब हैं मोहन महतो गेहूमी, उनके तरफ से चल रहा है बस। भगवती धाम काटा अभी तक कितना राहत बांट चुके हैं आप लोग? अभी तक हमको लगता है कि कम से कम लगभग 500 आदमी को खिला चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? महादेव महता। क्या करते हैं जैसलमेर में? जॉब करता हूँ। कब चले हैं वहाँ से? चार दिन हो गए। कैसे वहाँ से चले थे? बस से चला हुआ। जाना कहाँ है आपको? ड्यूटी जाना है। तो क्या आप लोग को पता है कि वहाँ जाके आप लोग आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा? वो सब पता है, और भी आदमी पहले गया हुआ है, सबको वहीं पे डाल। तो आप जाइएगा तो सीधे घर जाइएगा कि पहले आप जाऊँगा? घर नहीं जाऊँगा, घर जाइएगा। पहले तो जाने का फर्ज भी नहीं बनता, पहले भी यहाँ से गए वो लोग। कब से खाना बना रहे हैं? कल से चालू है। कितना लोग अभी तक खा चुके हैं? अभी तक 1000 पैकेट चलन निकल चुका है, गाड़ी वाला सब रोक रोक के दिया जा रहा है, पानी और नाश्ता का पैकेट। तो कारीगर हुए हैं? हाँ, हम लोग खाना बनाने वाले। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। कब तक काम करना? जब तक ये लोग चलावाएंगे तब तक।